आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग बोया BYM1 की। अस्सलाम गाइस, कैसे आप सब? थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड वेलकम बैक। तो आज जो है, मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था, आज मैं करूंगा अनबॉक्सिंग बोया BYM1 की। लेकिन एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है कि ये मैंने दराज से नहीं ऑर्डर किया, रिव्यू भी है इसका, ये मैंने दराज से नहीं ऑर्डर किया क्योंकि दराज पे मैं एक तरह से स्कैम हो रहा था और इसलिए मैं ये स्कैम वाले चक्कर की बात मैं करूंगा किसी और दिन। लेकिन आज मैं ये गया था, आप लोग कह रहे होंगे मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, मैं मार्केट गया था। तो मैंने इसके लिए बताया क्योंकि मैं लेने सब्जी गया था, लेकिन मैं रास्ते में गया, मैंने मोबाइल शॉप में साथ ही थी बिल्कुल, मैंने कहा व्हाई नॉट, एक दफा मोबाइल शॉप में मैंने नजर डाली तो आई फाउंड दिस बोया BYM1। आई होप फोकस हुआ है। सो अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ऑनेस्टली बात मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने पहले से खोल लिया है क्योंकि क्यों खोला है, क्योंकि मैंने इसका टेस्ट करना था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने टेस्ट करना था इसको। एंड फिर अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, वेट किस चीज़ का करें। लेकिन इतनी स्पेशल चीज़ है, स्पेशल मेरे लिए है क्योंकि मैंने बड़ा एक्साइटेड था मैं इसके लिए, तो पेशे खिदमत है 120 FPS सीन्स। अनबॉक्सिंग करने, ये रहा मेरा बोया BYM1। इसके अंदर मेन्यू कार्ड कह रहा हूँ, यूजर मैनुअल वगैरह नहीं, आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये रहा उनके पास लास्ट पीस था एक्चुअली, तो ये ओपन था। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करते साथ ही ये माइक आ गया। सबसे पहले हम बॉक्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोया लेवियर माइक्रोफोन माइक्रो कार्पेट, इतनी इंग्लिश आती नहीं है। तो फॉर स्मार्टफोन कैम रिकॉर्डर DSLR एंड ऑडियो रिकॉर्डर्स। अच्छा, पीछे इसके अंदर क्लिप ऑन माइक ओमनी डायरेक्शन कंडेंसर माइक्रोफोन। जिनको नहीं पता ओमनी डायरेक्शन क्या होता है, ओमनी डायरेक्शन इज दैट के वो हर तरफ से आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। लो हैंडलिंग नॉइस ये होती है, जैसे ये मैंने फर्ज करें अपने कॉलर पे लगाया हुआ है तो हवा चल रही है, मेरी शर्ट हिल रही है, तो वो इसको कैप्चर नहीं करेगा। इंक्लूड्स लेपल माइक RLR44 बैटरी फोम विंडस्क्रीन 1-4 अडेप्टर। ये फोम इसके ऊपर लगा हुआ है, ये क्लिप है, दिस इज द अडेप्टर 1-4-4। ये बड़े एम्पलीफायर्स वगैरह में लगाने के लिए काम आता है। और ये 20 मीटर इसकी वायर है, बहुत लंबी वायर है, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि मैं अभी काफ़ी दूर बैठा हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ एंड कैमरा काफ़ी दूर है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नाउ अब टाइम, अच्छा और ये बात कर लेते हैं, ये है बोया, इसके अंदर सेल डालते हैं अगर आपने कैमरा में यूज़ करना है, लेकिन आई वॉन्ट टू यूज़ इट ऑन स्मार्टफोन तो ये ऑफ होके भी हो जाएगा। अब पारी आती है टू प्लग इट इन माई फोन एंड गिव माई रिव्यू। मुझे तो अपनी आवाज़ नहीं आ रही होगी फॉर श्योर, क्योंकि मैं तो अभी बाद में आऊँ, क्योंकि मैं तो बाद में एडिटिंग करते हुए देखूंगा कि कैसा है, लेकिन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं अभी अपना माइक लगाता हूँ एंड इसको ऑडियो रिव्यू देते हैं, क्योंकि मैंने दराज वगैरह जहाँ पे भी देखा था मुझे इतना अच्छा नहीं मिला, तो आई थॉट कि मुझे भी बनाना चाहिए रिव्यू ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। एंड एक और बात आ रही थी कि सी टाइप डिवाइसेस के अंदर बोया BYM1 नहीं लग रहा, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये मेरा Redmi Note 11 C टाइप ही है एंड इसके अंदर लग रहा है बोया BYM1, आवाज़ भी आ रही है। तो ये सिर्फ फजूल बातें हैं कि सी टाइप के लिए आप M3 खरीदें जो कि 4000 रुपये महंगा है, आप M1 खरीदें, M1 लग रहा है। अगर नहीं लगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप मुझे बोलें, लेकिन मैं ये सिर्फ Note 11 Redmi के लिए कह रहा हूँ, बाकी फ़ोन्स के लिए नहीं। लेकिन सी टाइप के ऊपर लग रहा है तो आप उनकी बातों में नहीं आना, दे वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट विच इज़ लाइक
3,000 महंगे, उनको पता है कि अगर ये बंदा ये ले रहा है तो ये 3,000 महंगा वाला भी लेगा, लेकिन आपने इसमें नहीं आना एंड लेट्स गो फॉर द टेस्ट। तो कम ऑन, तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो है बोया BYM1 से। आई होप कि आवाज़ सही आ रही होगी, बेहतर होगी। जो मेरा ओरिजिनल माइक इंटरनल माइक्रोफोन है फ़ोन का, मैं इधर कहीं पे लिख भी दूंगा कि रिकॉर्डेड फ्रॉम बोया BYM1। आप में से बहुत लोग कहेंगे मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ और कि मैं बस शो मार रहा हूँ, लेकिन ये सही बात नहीं है। इसकी प्राइस थी 1700 दराज पे, लेकिन लोकल मार्केट में मुझे 1250 का मिल गया, तो दैट्स अ गुड थिंग कि मुझे ये चीप मिल गया। एंड अभी आप लोग खुद देख सकते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है। मुझे बहुत अच्छी आवाज़ लग रही है, क्योंकि मैंने जब ये शॉप में टेस्ट किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप अगर आपने इससे इंफॉर्मेशन कुछ हासिल की। अगर नहीं हासिल की तो आई एम सॉरी, मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, टेक केयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।